मैं किया तो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होना शुरू हो गया। मैं आप सब सोचा कि आप सब ये ट्रिक बता देना चाहिए। तो कहीं जरूर एक वीडियो की लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं जाते जाते वीडियो की लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है, तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलो गाइस इधर मोबाइल की स्क्रीन की ओर दिखाता हूं किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। सो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर, ओपन कर रहा हूं भीम यूएसपी एप्लीकेशन को। कहते हैं बता दूं कि ये ट्रिक पुराना ही है बट अभी काम कर रहा है, तो मैं आपके लिए सोचा कि आप सबको मैं ये ट्रिक बता दूं। तो कहीं सबसे पहले इस एप्लीकेशन में मेरा जो है मैं ट्रांजेक्शन एक किया पहले, उसके बाद मेरा जो ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका तो मैं सोचा कि ये वीडियो अभी बनाना चाहिए। तो कहीं सबसे पहले इस एप्लीकेशन में मेरा जो कुछ भी पैसा नहीं है, क्योंकि जो एक थोड़ा मोड़ा था वो ट्रांजेक्शन करके मैं उस पैसा को जो निकाल लिया ट्रिक के थ्रू अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद में सबसे पहले इस एप्लीकेशन में कुछ मनी लोड करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं इस मनी में एप्लीकेशन में कुछ मनी लोड कर लेता हूँ। सो गाइस आप देखेंगे हमारे वॉलेट में फिलहाल में 0.26 पैसा है। तो मैं गाइस हम आप सबको लोड मनी का प्रोसेस मालूम है, तो चलो मैं इस लोड मनी का जो प्रोसेस है इस बीच में से स्किप कर देता हूँ, सिर्फ मैं अब लोड मनी करके अब दिखला देता हूँ। सो गाइस मैं फाइनली 50 रुपया अपने क्रेडिट कार्ड से लोड कर लिया हूँ भीम यूएसपी एप्लीकेशन में। तो गाइस सबसे पहले आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद गाइस चलना है, चलो मैं दूसरा एप्लीकेशन आपको लेकर चलता हूँ। गाइस दूसरा एप्लीकेशन ये है अल्ट्रा कैश। मैं बता दूं गाइस आप सब बोलेंगे कि अल्ट्रा कैश काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस पहले बताता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। गाइस सबसे पहले आपको एक नया मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा, जो कि दोबारा जो आप पुराना जो ओल्ड मोबाइल नंबर से जो चालू किया था उस मोबाइल नंबर को छोड़ दो। अभी जो आपके पास दो मोबाइल नंबर है आप दूसरा मोबाइल नंबर से इस एप्लीकेशन को चालू कर लो, क्योंकि इसमें आपको कोई KYC का नहीं फंडा है, इन्हें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर की जरूरत है। OTP के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इंस्टेंट में आपको हर कुछ क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मैं एक नया नंबर से मैं ये एप्लीकेशन के चालू किया हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ मनी ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद मैं इस एप्लीकेशन के चालू करने के बाद मैं सेंड मनी पर क्लिक करता हूँ, जो कि गाइस मैं ये मेरा नया एप्लीकेशन है, आप सबको इतना याद रखना कि मैं नया एप्लीकेशन से अभी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मैं सेंड मनी पे क्लिक किया। सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद गाइस इधर से हमको एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगा, तो चलो मैं मोबाइल नंबर से इनको पेमेंट करना पड़ेगा। गाइस अगर अदरवाइज आप UPI से अगर ट्रांसफर करेंगे तो आपको ट्रिक काम नहीं करेगा, ट्रिक यूज करने के लिए आपको बैंक अकाउंट फिल करना ही पड़ता है, तो जाके ये ट्रिक काम करता है। चलो फटाफट अपना पहले मोबाइल नंबर इधर मैं फिल करता हूँ। सो गाइस मैं फाइनली अपना मोबाइल नंबर फिल किया, तो गाइस जैसे ही मैं मोबाइल नंबर फिल किया तो मैं ऑलरेडी एक अकाउंट जो ट्रांजेक्शन मैं किया था, जो ट्रांजेक्शन मेरा सक्सेसफुल हुआ उसके लिए मेरा अकाउंट इधर ऐड है। गाइस बता दूं कि इसमें सिर्फ अकाउंट नंबर, जैसे आप नाम इधर डालेंगे तो गाइस मैं आपको न्यू पे क्लिक कर दिखाता हूं, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो इधर आपका नाम हो गया, उसके बाद आपका बैंक का नाम क्या है वो नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर क्या है अकाउंट नंबर डालिए, उसके बाद अमाउंट कितना आपको ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर डालिए, उसके बाद रीजन क्यों आप ट्रांसफर कर रहे हैं आपको जो भी इच्छा हो आप डाल सकते हैं, रीजन से कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं ओल्ड वाला पे ही ट्रांसफर करके आपको दिखलाता हूं। तो गाइस अभी फिलहाल हमारे जो वर्चुअल डेबिट कार्ड जो था मेरा भीम यूएसपी वॉलेट का, उसमें मेरा 50 रुपया है, तो अमाउंट में इधर 50 रुपया डालता हूं, रिमार्क में मैं अपना मनी ट्रांसफर डाल देता हूं, तो जो आपको जो भी इच्छा हो आप डाल दीजिएगा। तो मनी ट्रांसफर डालने के बाद गाइस आपको पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक किया तो गाइस आप देखेंगे हमको इधर बोला जा रहा है कि CVV कोड, यानी गाइस मैं इधर आप देखेंगे आपको तीन ऑप्शन इधर मिलता होगा। तो गाइस तीन ऑप्शन में से आपको मैं बता दूं कि तीन ऑप्शन में एक मैं एयरटेल पेमेंट बैंक को मैं लिंक करके रखा हूं, दूसरा मैं भीम यूएसपी वॉलेट का जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड उसको मैं लिंक करके रखा हूं, और तीसरा मैं तीन एक इसमें कार्ड ऐड करके रखा हूं। मैं आपकी इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूं आप सबको अलग से। इसमें मैं एक पे गिफ्ट वॉलेट आप लोग जानते होंगे, पे गिफ्ट वॉलेट का भी लिंक डाला हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी आपको कैशबैक मिल जाएगा। जो आप इस हमारा इनवाइट कोड आप डालते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर प्रोमो कोड मेरा यूज कीजिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिल जाएगा, उस कैशबैक को भी आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको मैं जो पे गिफ्ट वॉलेट कर लीजिए मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड हो गया। उसके बाद हमको चलो इसमें मेरा जो अभी भीम यूएसपी वॉलेट का जो मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड है उसका हमको CVV कोड इधर फिल करना पड़ेगा। चलो मैं क्योंकि CVV कोड इसमें सेव नहीं होता है, तो चलो सबसे पहले मैं अपना CVV कोड इधर डाल देता हूँ। गाइस CVV कोड डालने के बाद आपको पे पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं पे पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं पे क्लिक किया तो गाइस बता दूं कि इसका जो चार्ज है यानी 0 हमको लग रहा है, यानी अभी 1 रुपया हमको चार्ज नहीं दिया जा रहा है, यानी 100 रुपया तक इधर फ्री रहता है, 100 रुपया के बाद यानी 100 रुपया से आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे यानी ट्रांसफर करेंगे 5000 तक, तो आपको 1% इधर से चार्ज भरना पड़ता है। तो कैसे सबसे इधर मैं ट्रांसफर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ट्रांसफर पर क्लिक किया तो गाइस देखिए हमारा जो इधर कुछ ऑप्शन आ गया है OTP का,
तो गाइस फाइनली हमारे अभी जो भीमएस पे वॉलेट में जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। चलो फाइनली मैं ओटीपी का इंतजार कर लेता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारे एस पी बैंक की तरफ से यानी वॉलेट की तरफ से हमको ओटीपी आ चुका है। चलो फर्स्ट पे इधर ओटीपी फिल कर देते हैं। तो सो गाइज मैं फाइनली ओटीपी इधर फिल करती हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो सो गाइज मैं फाइनली ओटीपी फिल कर दिया गया। हमको बहुत सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड यानी हमको दूसरा ओटीपी में डाल दी क्योंकि हमारे पास दो ओटीपी आ चुका था। तो चलो फर्स्ट पे मैं वो पहले वाला ओटीपी इधर देख लेता हूँ। सो गाइज मैं इस बार अभी जो इसको अभी जो मेरा कोड आया वो कोड डाल दिया हूँ। कोड डालने के बाद फाइनली मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ। सो गाइज फाइनली जो हमारे वॉलेट से 50 रुपये डिडक्ट हो चुका है जो कि गाइज देखिए हमारे एक मैसेज आ चुका है भीम एस पी वॉलेट की तरफ से। गाइज ऊपर हम देख पाएंगे आपके अल्ट्रा कैश की तरफ से हमको एक मैसेज आ चुका है कि आपके अकाउंट में 50 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया गया है और भीम एस पी वॉलेट की तरफ से भी हमको मैसेज आ चुका है कि आपके वॉलेट से 50 रुपये कट गया है। तो गाइज बीच में हमको क्या हुआ, मैं डबल डबल जो इस पर क्लिक किया यानी सबमिट का जो ऑप्शन था उस पर मैं डबल क्लिक किया था, इसके लिए हमको बता रहा है कि डुप्लीकेट एरर हमको आ रहा था। बट फाइनली आप देखेंगे यूनियन बैंक में हमको 50 रुपये क्रेडिट भी हो गया है कि इंस्टेंट में यह हर कुछ मेरा हुआ है। देखिए आप देखेंगे इधर मेरा सबमिट किया और इधर मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया जो कि आपको चीज़ में टाइम भी नहीं लगेगा आपका जो आप मनी ट्रांसफर करेंगे आपको हर कुछ इंस्टेंट में हो जाएगा। क्या इधर देखेंगे हमको अल्ट्रा कैश की तरफ से एक आपको और मैसेज दिखता होगा जो कि इधर आप देखेंगे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आपके नीचे में ये वाला मैसेज आपको दिखता होगा कि हमको फाइनली आप देखेंगे 50 रुपये सक्सेसफुल हो चुका है जो कि अल्ट्रा कैश की तरफ से हुआ है। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन इधर चलूँ तो इसको मैं स्किप करता हूँ। गाइज आपको इधर से आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो गाइज इधर देख पाएंगे मैं इधर चलता हूँ। गाइज इसके बाद हम ट्रांजेक्शन का आपका हिस्ट्री देखना चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल हुआ अभी या नहीं हुआ। सो गाइज आप ये रहा ट्रांजेक्शन 12 जनवरी का। तो गाइज इस पर क्लिक करता हूँ। 6:30 हो रहा है और अभी जो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है 6:28 में मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो गाइज यही था ये ट्रांजेक्शन है जो मेरा अभी हो चुका है ट्रांजेक्शन फाइनली 6:28 में। तो गाइज आप सब इस तरह से अपना अल्ट्रा कैश के थ्रू अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का जो कि जीरो ऑफ कॉस्ट यानी 100 रुपये तक जीरो ऑफ कॉस्ट रहता है। अदरवाइज हम लोग 1% को जीरो ही बोल सकते हैं। तो आप सब इंस्टेंट में जो भी है इंस्टेंट में जो भी जो वर्क कर रहा है ये इंस्टेंट में कर रहा है। हम बता दूं कि 5,000 तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन में। इसका जो लिमिट दिया गया है पर डे का 5,000 ही लिमिट दिया गया है। तो आप सब ट्रांसफर करना सकते हैं चाहते हैं तो आप सब कम से कम ट्रांजेक्शन कीजिएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये ट्रांजेक्शन इससे पहले होता था और बंद कर दिया गया था बीच में। ताकि मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो थोड़ा मिनिमम कीजिए ताकि ये ट्रिक लॉन्ग टाइम तक चले क्योंकि ऐसा होता है कि आज ट्रिक काम कर रहा है और कल के जाके ट्रिक काम नहीं करता है। तो हमें आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद हो तो जरूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।